वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज का हमारा लेक्चर है सिटीजनशिप के रिलेटेड। तो सबसे पहले जो कोई भी कंट्री है उसमें दो टाइप के लोग रहते हैं, सिटीजन और एलियन। तो अगर कोई पर्सन जो है वो फॉरनर है तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, एलियन में। जो पर्सन उस कंट्री किसी कंट्री का सिटीजन नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरनर बोलते हैं या एलियन बोलते हैं। तो एलियन को भी आगे फर्दर दो काइंड में डिवाइड किया गया है, एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन सिटीजन है उसमें कुछ पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं, और जो एनिमी एलियंस हैं उनको जो वो पॉलिटिकल सिविल राइट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिकल नंबर 22 के अंदर जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 के अंदर जो राइट है, राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये जो एनिमी एलियंस होते हैं उनको नहीं मिलता, ठीक है। अब एनिमी एलियंस कौन होते हैं, ऐसी कंट्रीज जिनके साथ हमारे जो संबंध हैं, ठीक है, वो अच्छे नहीं है, ठीक है। जिन कंट्री को हम क्या करते हैं, अपना एनिमी कंसिडर करते हैं, उसके जो सिटीजन होते हैं उसको हम एनिमी एलियंस बोलते हैं, ठीक है। तो उनको हमारे आर्टिकल 22 जो है वो उनको नहीं मिलता, ठीक है। जो आर्टिकल 22 के अंदर जो राइट है वो एनिमी एलियंस को नहीं मिलता। तो यहाँ पे कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, और जो है वो एनिमी जो कुछ एलियंस हैं, ठीक है, जो फॉरनर्स हैं उनको नहीं मिलता, ठीक है। ये कौन कौन से आर्टिकल हैं आपको याद रखने हैं, पांच आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ये जो पाँच आर्टिकल है ये आपको याद रखने हैं। तो ये सारे आर्टिकल जो है हमारे फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं, ठीक है। तो जब हम फंडामेंटल राइट टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे इसको ब्रीफली पढ़ लेंगे। तो जो आर्टिकल नंबर 15 है वो डील करता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये पांच ग्राउंड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी पर्सन के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। रिलीजन के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, रेस के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे हम किसी के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और ये जो राइट है ये सिर्फ किसको मिलता है, इंडियन सिटीजन को मिलता है, ठीक है। जो फॉरनर्स हैं उनको ये राइट नहीं मिलता। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 16, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का राइट है ये किसको मिलता है, सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन को मिलता है। उसके बाद हमारा आर्टिकल आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो ये जो राइट है, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम के आर्टिकल मिलते हैं हमें, ये भी इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं इसमें। तो जब हम आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे उसमें हम इसमें स्टडी करेंगे, लेकिन जो आर्टिकल आपको अभी क्या याद रखना है, जो आर्टिकल 19 है वो भी हमारे ये जो किसको एंजॉय करने को मिलता है, सिर्फ इंडियन सिटीजन को एंजॉय करने को मिलता है। इसके बाद हमारे कल्चरल एजुकेशन राइट्स होते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर, ये भी सिर्फ इंडियन सिटी को मिलेंगे, फॉरनर्स को नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन होती है उसमें जो राइट टू वोट का अधिकार होता है वो किसको मिलेगा, सिर्फ इंडियन सिटीजन को। एमपी और एमएलए के इलेक्शन भी हमारा सिर्फ इंडियन सिटीजन ही लड़ सकता है। इसके बाद जो पोस्ट होती है पब्लिक ऑफिस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट होगी, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, गवर्नर्स हो गया स्टेट का, अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, तो ये जो पोस्ट है इस पर भी कौन, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही जो है वो होल्ड कर सकता है। इसके बाद हमें ये राइट के अलावा, ये जो हमें राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं इसके साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज भी हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें टैक्स पे करना पड़ता है, हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, हमें जरूरत पड़ने पे अपनी कंट्री को डिफेंड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे उसमें हम इसको अच्छी तरह जो डिटेल स्टडी कर लेंगे। इसके बाद हमारे आपको ये जो पॉइंट है ये नोट कर लेना है कि जो अगर आप प्रेजिडेंट की पोस्ट है उसके लिए, ठीक है, हमारे इंडिया में जो बाय बर्थ सिटीजन है और जिसने सिटीजन जो है वो एक्वायर किया है बाय नेचुरलाइजेशन मेथड से, ठीक है, अगर कोई नेचुरलाइज सिटीजन है जो सिटीजन बाय बर्थ है, ठीक है, इंडिया का, तो वो प्रेजेंट की वो जो प्रेजेंट की पोस्ट है उसको होल्ड कर सकता है। लेकिन यूएसए में सिर्फ जो बाय बर्थ सिटीजन है सिर्फ वही जो है प्रेजेंट की इलेक्शन, प्रेजेंट की जो पोस्ट है या प्रेजेंट का जो ऑफिस है उसको होल्ड करता है। कोई नेचुरलाइज सिटीजन जो है वो यूएसए में होल्ड ऑफिस, प्रेजेंट का ऑफिस जो है उसको होल्ड नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा आता है कि जो पार्लियामेंट है वो विद टाइम जो है एक्विजिशन और सिटीजन, जब लॉस ऑफ सिटीजन के लेटर जो है प्रोविजन जो है वो कौन बना सकता है, हमारी पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। और उसी के लेटर जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया है। तो सबसे पहले अब आर्टिकल आता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 5, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 किसके रिलेटेड है, सिटीजनशिप के रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक जो जितने भी आर्टिकल हैं वो किसके रिलेटेड है, पार्ट 2 में मेंशन किए गए हैं और आपके सिटीजनशिप के रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल नंबर 5 आता है वो उसमें क्या मेंशन किया गया कि ऐसे पर्सन जो इंडिया के डोमिसाइल्ड हैं, ठीक है, जो जिनका जो रेजिडेंस है वो कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है। और इसके अलावा अगर वो इन तीन में से कोई एक भी कंडीशन अगर वो फॉलो करता है, फुलफिल करता है, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। उसके सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो डोमिसाइल्ड होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। और उसके बाद वो ये जो तीन में से एक कंडीशन, ठीक है, अब ये कंडीशन सबसे पहली कंडीशन आ जाती है, उसका जो जन्म है पर्सन का वो कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर उसमें उसका कोई पेरेंट है, जो फादर या मदर है, वो जो है वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। और उस नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो क्या आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जस्ट आने से पहले जो पिछले 5 साल हैं, ठीक है,
वो उसने कहाँ पे रिसाइड किया होना चाहिए, ठीक है, वो कहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए उस वक्त के में, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, 5 साल के लिए, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आने से कि जस्ट 5 साल पहले वो इंडिया में 5 साल के लिए रिसाइड होना चाहिए, ठीक है, उसका रेजिडेंट होना चाहिए, तो वो क्या बन सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है कि कोई पर्सन है वो जिसका डोमिसाइल कहाँ का है, इंडिया का डोमिसाइल है, और उसके अलावा उसको 3 में से 1 कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या कि उसका जो जन्म है वो इंडिया में होना चाहिए, उसके पेरेंट्स का, किसी भी पेरेंट्स का जो फादर या मदर जो है वो इंडिया में बॉर्न हुई होनी चाहिए, और उसके बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले वो 5 साल कहाँ पर काटा होना चाहिए, उसने इंडिया में काटा होना चाहिए, तो वो क्या क्या कहलाएगा, सिटीजन कहलाएगा इंडिया का। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 6। तो आर्टिकल नंबर 6 में ऐसे पर्सन जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, कहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, इंडिया में माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, और वो इंडिया सिटीजन बन सकते हैं अगर वो पर्सन या फिर उसके पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या फिर उसका कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कहाँ पे बॉर्न हुआ होना चाहिए, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ होना चाहिए, और उसके अलावा उसको एक और कंडीशन, 2 में से 1 कंडीशन को फॉलो किया होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन आती है, उससे पहले आपको कंडीशन फुलफिल करने से पहले आपको एक डेट है जो याद रखनी है, 19 जुलाई 1948। अब ये डेट क्यों मैंशन की गई है, 19 जुलाई 1948 को जो पर्सन थे उनको ये एक टफ डेट है, जब उनको जो पर्सन है इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको मौका दिया गया था कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, ठीक है, उनको चॉइस दी गई थी इस दिन 19 जुलाई 1948 को, ठीक है, वेदर दे वांट टू लिव इन इंडिया और पाकिस्तान, तो इसलिए इस डेट को यहाँ पे मेंशन किया गया। और ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 को इंडिया में आ गए थे, ये पाकिस्तान से कहाँ पे आ गए थे, इंडिया में आ गए थे, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे, तो उनको क्या मिल सकती है, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उनको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करने के लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा, और उससे पहले वो क्या होना चाहिए, जब उन्होंने एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्रेशन की, उससे 6 महीने पहले वो कहाँ पे रहे होने चाहिए, इंडिया में रहे होने चाहिए, ठीक है, उनका जो रेजिडेंट है वो कहाँ 6 महीने कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 7। तो आर्टिकल नंबर 7 में क्या है, ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 को क्या कर गए हैं, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में माइग्रेट करके और उसके बाद वो फिर से वापस आ गए इंडिया में, ठीक है, 1 मार्च 1947। अब 1 मार्च 1947 को ये डेट क्यों मेंशन की गई है, क्योंकि इस दिन जो है लोगों को पता चल गया था कि अब इंडिया जो है जो माउंटबेटन प्लान है वो उसको ला मतलब उसको उसको कानूनी तौर पे पार्लियामेंट में लाने की कोशिश की गई थी, और लोगों को पता चल गया था कि अभी जो है इंडिया की पार्टीशन होने वाली है, ठीक है, जैसे कि पार्टीशन प्लान जो था 3 जून 1947 को आया था, लेकिन 1 मार्च 1947 को जो था वो जो प्लान था वो ला दिया गया था, तो इसलिए इन जो लोग पार्टीशन प्लान सुनने के बाद जो है वो क्या कर गए, पाकिस्तान में माइग्रेट करके, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या है फिर से पाकिस्तान से इंडिया में आ गए रीसेटलमेंट के लिए, वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और जब उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है तो उसके 6 महीने कहाँ पे काटे होने चाहिए, उन्होंने इंडिया में काटे होने चाहिए, ठीक है, वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का 6 महीने के लिए, पिछले 6 महीने के लिए। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 8 जो कि डील करता है ओवरसीज सिटीजन के लिए, ठीक है, अब कोई भी जो पर्सन है उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो वो बॉर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है, लेकिन अभी वो कहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो वो इंडियन सिटीजन के लिए जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं अगर वो जो डिप्लोमेटिक या फिर काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव है हमारा इंडिया का कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पे अगर उसने रजिस्टर किया हुआ है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो क्या बन सकता है, सिटीजन बन सकता है इंडियन का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 99। तो आर्टिकल नंबर 9 क्या करता है कि अगर कोई सिटीजन, कोई पर्सन है इंडिया का सिटीजन है, वो क्या करता है, वो वॉलंटरली अक्वायर कर लेता है कोई फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप, ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री की सिटीजन को अक्वायर कर लेता है, तो उसको इंडियन सिटीजन, वो फिर वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा, ठीक है, उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 10। तो आर्टिकल नंबर 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो इसको, एवरी पर्सन हु इज आर इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू बी टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो इसमें सिटीजनशिप की कंटिन्यूशन के बारे में बात की गई है कि वो कंटिन्यू सिटीजनशिप उसकी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 के अंडर क्या किया है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में, जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर करने की और उसको टर्मिनेट करने की, ठीक है, किसी की भी सिटीजनशिप को एक्वायर करना है किसी ने या फिर उसको सिटीजनशिप क्या करनी है, उसकी टर्मिनेट करनी है, उसकी खत्म करनी है, तो वो पावर किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है। तो आर्टिकल नंबर 11 क्या डील करता है, पार्लियामेंट की पावर के रिलेटेड, ठीक है, सिटीजनशिप की जो पावर है वो किसके पास है, पास है वो है पार्लियामेंट के पास, ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 11। तो ये कुछ आर्टिकल हैं ये जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी हम क्यूक रिविजन कर लेते हैं, आर्टिकल नंबर 5 में कौन से हैं, जो पर्सन डोमिसाइल किए गए हुए हैं, ठीक है, इंडिया के डोमिसाइल हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर किए हुए हैं कहाँ पे, इंडिया में। तो आर्टिकल नंबर 7 में आते हैं जो ऐसे पर्सन जो पहले पाकिस्तान में माइग्रेट किए फिर वो कहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 8 जो कि ओवरसीज सिटीजन के साथ डील करता है। आर्टिकल नंबर 9 जो कि अगर कोई बंदा वॉलंटरी एक्वायर कर लेता है फॉरेन सिटीजनशिप उसके रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर 11 जब जो कि पार्लियामेंट की पावर के रिलेटेड बात करता है।
तो यहाँ पे आपको दो डेट भी मेंशन की हुई है, 19 जुलाई 1948 और 1 मार्च 1947, ये आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।